हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से हार्दिक स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ड्रीम फैंटेसी में। दोस्तों आज हम आपको इस वीडियो में टीम प्रोवाइड करने वाले हैं जो कि होगा बांग्लादेश टी20 लीग का दूसरा मुकाबला जो कि खेला जाएगा राजशाही किंग्स वर्सेस रंगापुर रेडर्स के बीच। तो दोस्तों इस मुकाबले में थोड़ी बहुत ड्यू जो है एक्सपेक्टेड है और शाम का मुकाबला है तो दोस्तों ड्यू पड़ भी सकती है, तो उस हिसाब से आप अपनी टीम को जो है बैलेंस करना। दोस्तों और भी बहुत सारे जो अपडेट्स हैं प्लेयर्स के रिगार्डिंग, तो दोस्तों मैं आपको साथ टीम बनाने के साथ साथ आपको मैं इन्फॉर्मेशन भी देता रहूँगा। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूँ, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और वीडियो लाइक ज़रूर कर लेना, आपको मैं वीडियो में कुछ इंटरेस्टिंग बताने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों टीम देखना शुरू करते हैं। विकेट कीपर में हमने मुशफिकुर रहीम को रखा है। मुशफिकुर रहीम बांग्लादेश के कप्तान रह चुके हैं और ये अच्छे विकेट कीपर हैं और मिडल ऑर्डर में आके इन्होंने MS धोनी की तरह ही अपने टीम को संभाला है और T20s में भी इनका अच्छा रिकॉर्ड है, तो उस हिसाब से इनको लेना बनता है। आप चाहे तो कौशल परेरा के साथ जा सकते हैं जो कि ये टॉप ऑर्डर में आते हैं और इनके भी खेलने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो यही एक विकेट कीपर जो है रंगापुर रेडर्स ने खिलाया दोस्तों, तो वो ये खेलेंगे और इनके देखा जाए तो कौशल परेरा अच्छे ऑप्शन रहेंगे, लेकिन हम मुशफिकुर रहीम के साथ जा रहे हैं। दोस्तों ब्रेंडन मैकलम और क्रिस गेल दोनों अनअवेलेबल रहेंगे। ब्रेंडन मैकलम जो है वो 15 नवंबर को अवेलेबल हो जाएंगे, तो उसके बाद से जो भी मैचेस होंगे वो ये खेलेंगे, उससे पहले के जो मैचेस है वो ये नहीं खेल पाएंगे। तो ड्यू टू सम रीजंस ये नहीं खेल रहे हैं, वो रीजंस क्या है वो तो नहीं पता। और इनके जो है एल्बो में एक मार भी लगा था, मतलब इनको एक चोट भी आई थी, तो उस हिसाब से वो रीज़न भी हो सकता है कि ये नहीं खेल रहे। और दोस्तों क्रिस गेल भी नहीं खेल रहे हैं, इन्होंने थोड़ा रेस्ट मांगा है कि 5 मैचेस तक मैं नहीं आ पाऊँगा। तो दोस्तों 5 तो नहीं, उन्होंने कहा है कि 3 मैचेस तक मैं कोशिश करूँगा कि आ जाऊँगा, तो दोस्तों 3 मैचेस के लिए तो अनअवेलेबल रहेंगे ही रहेंगे। और हमने यार लंडल सिमंस को रखा है और एडम लिथ जो कि ग्लोबल T20 लीग में इनका सिलेक्शन हुआ था, लेकिन ये जो है इंग्लिश T20 लीग में उतना ही अच्छा खेल चुके हैं, तो टॉप ऑर्डर में एक अच्छे ऑप्शन रहेंगे। और दोस्तों लूक राइट जो कि अपने इंग्लैंड के लिए ओपनिंग करते थे ये टेस्ट मैचेस में, और इन्होंने अच्छी पारियां 2-4 पारियां जो है अच्छी इंग्लिश प्रीमियर लीग में खेली थी, तो उस हिसाब से इनको लेना बनता है। और दोस्तों जेम्स फ्रैंकलिन अवेलेबल रहेंगे, ये एक ऑलराउंडर हैं, आप चाहे तो इनके साथ जा सकते हैं, ये थोड़े बहुत ओवर भी डाल लेते हैं। और दोस्तों जॉनसन चार्ल्स जो है ये भी अवेलेबल रहेंगे, अगर कौशल परेरा नहीं इनको ड्रॉप किया जाता है तो दोस्तों जॉनसन चार्ल्स ही विकेट कीपिंग संभालेंगे। और दोस्तों मोमिनुल हक भी खेलेंगे, तो इनको भी आप पिक कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ सैम हेन के साथ जा रहे हैं जो कि मिडल ऑर्डर में आके अच्छी खासी इन्होंने पारियाँ पास्ट में खेल रखी हैं, तो उस हिसाब से इनको लेना बनता है। चलिए ऑलराउंडर की बात करते हैं, ऑलराउंडर में रवि बुपारा, समित पटेल और डेविड बिल्ली। दोस्तों ये हमारे 3 ऑलराउंडर रहेंगे। समित पटेल के बारे में आपको कुछ ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये इंग्लिश T20 लीग में उतना ही अच्छा कर चुके हैं और रवि बुपारा भी एक अच्छे ऑलराउंडर हैं। एट द मोमेंट 2002 से ये खेलते आ रहे हैं और उससे पहले उसके बाद से इन्होंने बहुत अच्छी इम्प्रूवमेंट दिखाई है और ये एक्सपर्ट बन गए हैं T20s के। तो और दोस्तों डेविड बिल्ली ये एक अच्छे बॉलिंग ऑलराउंडर हैं, ये बॉलिंग अच्छी कर लेते हैं और साथ ही साथ अगर बैटिंग की मौका मिल जाए बल्लेबाजी का, तो उसमें भी थोड़े बहुत ये रन बटोर लेते हैं। आप चाहे तो तिसारा परेरा के साथ जा सकते हैं, डैरेन सैम के साथ जा सकते हैं, ये दोनों अवेलेबल रहेंगे तो आप इनके साथ जा सकते हैं। शमीउल्लाह शिनवारी को आप ग्रैंड लीग्स में ज़रूर ट्राई करना, ये भी एक अच्छे अफगानिस्तानी ऑलराउंडर हैं। तो दोस्तों आपको मैं बॉलिंग में सजेस्ट कर दूँ, बॉलिंग में मेहदी हसन मिराज को हमने रखा है। आप चाहे तो एक स्पिनर की जगह आप मशरफ़ मुर्तज़ा को रख सकते हैं जो कि ड्यू का फैक्टर है, तो दोस्तों आप मेहदी हसन की जगह मशरफ मुर्तज़ा ज़रूर पिक कर सकते हैं, ये एक अच्छे ऑप्शन रहेंगे। मुस्तफिजुर रहमान अनअवेलेबल हैं दोस्तों, इनको चोट आ चुकी है तो उस हिसाब से ये अनअवेलेबल रहेंगे, शायद 5-6 मैचेस तक ये ना खेल पाए। तो उसके अगर अपडेट्स आपको चाहिए, मतलब ये कब से अवेलेबल हो जाएंगे या और कोई जो भी बैट्समैन है या कोई भी हो
जो भी अपडेट्स आपको इस लीग या और कोई मैचेस के हों, तो आप हमारा टेलीग्राम पे चैनल है तो वहाँ ज्वाइन ज़रूर कर सकते हैं। आपको वहाँ रोज़ाना अपडेट्स मिलती रहेंगी, तो आप कोई भी अपडेट मिस नहीं करेंगे। एट द मोमेंट लास्ट टाइम पे भी अगर कोई अपडेट आती है तो हम ज़रूर वहाँ अपडेट कर देंगे। तो आप डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है वहाँ से हमको ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम पर। नेक्स्ट जो है, हमने बॉलर जो है सैमुअल बद्री को रखा है दोस्तों। आप चाहे तो अब्दुल रज़ाक के साथ जा सकते हैं, ये भी एक अच्छे स्पिनर हैं और ये भी जो है पावर प्ले ओवर्स में ही बॉलिंग डालते हैं दोस्तों। केसरिक विलियम्स भी अवेलेबल रहेंगे, लेकिन हमने मोहम्मद सामी के साथ जाने का फैसला किया, जो कि पाकिस्तानी बॉलर हैं और मीडियम पेस जो है डालते हैं दोस्तों। ये अच्छी खासी इन्होंने CPL में परफॉर्मेंस दी थी, तो उस हिसाब से इनको हमने यहाँ लिया है। रूबेल हुसैन भी दोस्तों मशरफ़ मुर्तज़ा के साथ, ये भी अपनी पेस अटैक को लीड करेंगे अपनी टीम के लिए, रंगापुर रेडर्स के लिए। तो दोस्तों आप इनको भी पिक कर सकते हैं अपनी टीम में, यही आपके पास ऑप्शंस रहेंगे दोस्तों। आप चाहे तो यहाँ उसामा मीर को भी ले सकते हैं, इनके भी 50-50 चांसेस हैं। तो दोस्तों ये हमारे अभी के लिए ये ही ड्राफ्ट होती है टीम। तो हमने यहाँ कैप्टन जो है सुमित पटेल को और वाइस कैप्टन जो एडम लिथ को लेने का फैसला किया है। आप चाहे तो लैंडल सिमंस को कैप्टन बना सकते हैं, आप चाहे तो सैम हेन या ल्यूक राइट, दोनों में से किसी एक को आप बना सकते हैं कैप्टन, और रवि बपारा को भी आप कैप्टन दे सकते हैं, और डेविड विली को वाइस कैप्टन ट्राई कर सकते हैं। इस टाइप से भी आप कैप्टन वाइस कैप्टन चूज़ कर सकते हैं। तो अभी के लिए यही टीम हमारी रहेगी दोस्तों। तो इसका मैं आपको प्रीव्यू दिखा दूँ, प्रीव्यू आप एक बार यहाँ पे स्क्रीनशॉट अगर चाहते हैं तो आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट भी ज़रूर ले सकते हैं। आपको आसानी हो सकती है टीम बनाने में बाद वीडियो के ख़त्म होने के बाद भी। तो मिलता हूँ दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो देखने